कैंट इलाके में कल हुई मेजर की पत्नी शैलजा द्विवेदी की हत्या में पुलिस अहम सुराग मिलने का दावा कर रही है। पुलिस के मुताबिक शैलजा द्विवेदी की हत्या में उनका कोई करीबी ही शामिल है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली के कैंट मेट्रो स्टेशन के पास कल शैलजा द्विवेदी का शव मिला था। शैलजा की गला काटकर हत्या की गई थी। शैलजा द्विवेदी आर्मी स्टाफ की गाड़ी से फिजियोथेरेपी के लिए अस्पताल गई थी, लेकिन बाद में उनका शव रोड पर मिला। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेजर की पत्नी की हत्या कल हुई थी, जिसके बाद से ही पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है, और अब पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। एक लेडी, वो एक्सीडेंट थी, उसकी डेथ थी। मौके पे टीम ने देखा कि वो एक्सीडेंट ना होकर के मर्डर था। उसकी आइडेंटिफिकेशन का कोशिश कर रहे थे, तो बाद में जो है डेड बॉडी जो है वो आइडेंटिफाइड हो जाती है। इसमें मर्डर का केस पुलिस रजिस्टर कर रही है। इसमें विक्टिम जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। इसमें अक्यूज्ड के बारे में हमारे पास बहुत ही सॉलिड क्लू है, वो लगभग नॉन है। इसमें जो क्लू है उनके हिसाब से हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इस केस को। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी जुड़ गए हैं। नरेश, पुलिस दावा कर रही है कि कई अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बिल्कुल शरीन, देखिए इस मामले में पुलिस ने शुरुआत से ही शक जाहिर किया था, जो कि जो मेजर हैं उनके दोस्त हैं, जो कि दीमापुर में पोस्टेड थे पहले, और उसके बाद दो महीने पहले ही वो दिल्ली आए थे। इसके बाद इनको सूडान जाना था पोस्टिंग के लिए, लेकिन इसी दौरान ये पूरा मामला सामने आ गया। ये भी हमारे सूत्र बताते हैं कि जो शैलजा है जिनकी मौत हुई है, उनकी दोस्ती थी आरोपी मेजर के साथ, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उस मेजर के साथ संपर्क नहीं हो पाया है। फोन उनके लगातार स्विच ऑफ जा रहे हैं। उनके ठिकानों पर भी पुलिस गई थी, लेकिन वहां पर फिलहाल उस मेजर के बारे में पुलिस को सुराग नहीं मिला है। लेकिन पुलिस इस बारे में आश्वस्त है कि जल्द से जल्द उस आरोपी के बारे में पता चल पाएगा, और यह भी पता चल पाएगा कि आखिरकार हत्या के पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि सुबह 10 बजे के आसपास जब शैलजा द्विवेदी बेस अस्पताल गई थी फिजियोथेरेपी कराने के लिए, उसके बाद यह भी बताया जाता है कि देखा गया था उस आरोपी मेजर के साथ शैलजा को, लेकिन आखिरकार वो कहां गए और क्या उनके बीच में ऐसी बात हुई जिसके बाद कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रेम प्रसंग का मामला लगातार सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी हत्या के पीछे की वजह हो सकती है। और अगर हम बात करें मेजर अमित द्विवेदी की, जिनकी पत्नी की हत्या हुई है, उनको इस बारे में पता चल गया था और वो विरोध करना शुरू कर चुके थे इस पूरे मामले के बारे में। लिहाजा अब हो सकता है कि शैलजा इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हो, वो दोस्ती को खत्म करना चाहती हो, और इसी के चलते शायद उस नाराज मेजर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल सच्चाई क्या है इस बारे में पता चल पाएगा जब इस मेजर की गिरफ्तारी होगी। जिन्हें जोड़कर इस पूरे मामले को पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है और जल्दी खुलासे की बात भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।